ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम 8 अगस्त के चिरोदन में पहुंचे हैं। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम सच्चे दिल से परमात्मा को याद करें और हमारे अंदर जो भी विघ्न है, दुविधाएं हैं, उसके सीक्रेट समय पता चल जाए। तो सारे रहस्य, सारे राज उसको पता चलते हैं जिसका कनेक्शन परमपिता परमात्मा से जुड़ा होता है। और जिसका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा नहीं होता है वो सदा ही नाराज रहता है सिचुएशन से, लोगों से, परिस्थितियों से, अपने आप से भी परेशान रहता है। और इसका मतलब ये है कि वो अपनी शान से उतर गया है और उसे राज नहीं समझ आ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो परमात्मा कहते हैं, सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राज युक्त भवा। सच्ची दिल से बाप को राजी करने, परमात्मा को राजी करना। हमने जिंदगी भर बिता दी इंसानों को राजी करने में, इसमें हमें कुछ बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ अंदर से हेट्रेड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो हमने जो कर्म किया क्योंकि हमें पता नहीं था, लेकिन परमात्मा कहते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है कि आपको अगर राजी करना है तो भगवान को राजी करो, इंसान को राजी करके कोई फायदा नहीं है। तो सच्ची दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भवा। जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को राजी करते हैं, बाप दादा उन्हें स्वयं के संस्कारों से, बाप दादा के संस्कार कैसे होंगे, भगवान के संस्कार कैसे होंगे, एडम के, ब्रह्मा के संस्कार कैसे होंगे, संगठन से सदा राजी अर्थात राजयुक्त रहने का वरदान देते हैं। जो भी संगठन है, चाहे दुनियावी संगठन हो, चाहे हमारा घर का संगठन हो, चाहे ब्राह्मण संगठन हो, उनके साथ में राजी रहने का वरदान देते हैं, क्योंकि उन्हें सारे राज पता होते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन क्यों ऐसे विघ्न क्यों बन रहा है, कौन क्यों हमें अटका रहा है, कौन क्यों हमें आगे बढ़ने में रोक रहा है। ये सारे राज अगर पता चल जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हम परमात्मा के राजों को समझ करके, और उसे फिर हम उलझते नहीं हैं, और उसे हम झगड़ा नहीं करते हैं, और उसे हम फिर क्यों क्या में नहीं फंसते हैं, क्योंकि हमें सारे राज समझ आ जाते हैं। परमात्मा से हमारा कनेक्शन इतना मीठा होता है, दिल का कनेक्शन। स्वयं के व एक दो के संस्कारों के राज को जानना, अपने संस्कार जो है उसके राज को जानना कि मेरे संस्कार ऐसे क्यों है, औरों के संस्कार ऐसे क्यों है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी क्यों, उनके अंदर इतना नेगेटिविटी क्यों है, ये जानना। परिस्थितियों को जानना, किसी की परिस्थिति को जानना कि उनकी परिस्थिति ऐसी है, इस कारण से वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, यही राजयुक्त स्थिति। अगर ये राज समझ आ जाए तो हम औरों को समझना शुरू कर देंगे, औरों के अंदर वो प्रॉब्लम्स जो हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज हैं, उसको अगर हम एड्रेस कर देंगे, अगर हम पहचान लेंगे, तो हम उनसे दिल से बात कर पाएंगे। जैसे परमात्मा से दिल से बात कर पाए तो हम इंसानों से भी दिल से बात कर पाएंगे, तो कोई विघ्न नहीं रहेंगे, कोई अड़चने नहीं रहेंगी, कोई इनसिक्योरिटीज नहीं रहेंगी। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देने व स्नेह की रूहानियत। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देना, पोता मेल मतलब क्या हो गया, मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, दिन में जो जो किया वो रात में सोने से पहले, बाप दादा मैंने आज ये किया, मुझे माफ करिए, आज ये मेरे से अच्छा हुआ, थैंक यू इसकी शिक्षा के लिए, ये मेरे से बुरा हुआ, रावण ने मेरे से ये करवाया, गलत करवाया, मुझे माफ करिएगा, मैं फिर से आपके अनुसार चलने की पूरी कोशिश में हूँ। रूहानियत, फिर परमात्मा कहते हैं सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मिल देने व स्नेह की रूह रिहान करने, परमात्मा से दिल से बात करने, बाबा मेरे दिल में ये बात आई है, बाबा मेरे दिल में ऐसा फीलिंग आ रही है उसके बारे में, बाबा मेरे दिल में ऐसी बातें आ रही हैं उसके बारे में, ये भी मेडिटेशन, ये तो सबसे सुप्रीम मेडिटेशन है। इसके अलावा कि मैं बिंदु हूँ, वो भी बिंदु है, उनसे प्रकाश मुझे आ रहा है, ये तो एक बच्चों वाली मेडिटेशन है। परमात्मा कहते हैं दिल से बात करो, अपनी दिल की बातें मुझे बताओ, ये तो सबसे ऊंचा कम्युनिकेशन है। करने से सदा समीपता का अनुभव होता है, यही मेडिटेशन है, फाइनल सबसे प्यारा मेडिटेशन है ना। और पिछला खाता समाप्त हो जाता है, पिछले खाते जो हैं, क्योंकि हमारा दिल साफ हो जाएगा परमात्मा से बात करते करते, तो हमारे अंदर हल्कापन आएगा, तो हमारे पिछले खाते समाप्त कैसे होंगे, क्योंकि हमारे हल्केपन से वो वाइब्रेशंस औरों को जानी शुरू हो जाएंगी, जिस कारण से और भी शांत हो जाएंगे, हमारे शांति के कारण और शांत हो जाएंगे, क्योंकि हम ही क्रिएटर हैं अपने भाग्य का, मतलब हम ही क्रिएटर हैं अपने कर्मों का, और हमारे कर्म क्रिएट होते हैं हमारे सोच से, हमारी सोच में होती है वाइब्रेशंस। तो ये वाइब्रेशंस हल्की बने, परमात्मा से दिल से बात करें तो हमारी वाइब्रेशंस हल्की, मतलब हमारी सोच हल्की हो जाएगी, हल्का बनाएगा, दिल की सारी भड़ास जो है परमात्मा को बता दी, ऐसे ऐसे ऐसा है, हल्का बनाएगा, सच्चे दिल से परमात्मा को बता दिया, ऑटोमेटिकली हम हल्के हुए तो सारा संसार हल्का हुआ। ये राज आपको सिखाए जाते हैं ब्रह्मा कुमारी, इसमें आप भी इनको सीखे जा करके, या और कहीं नहीं सिखाए जाते। ओम शांति के साथ।